हाय दोस्तों, कैसे हैं। आज जो स्क्रिप्ट लेके आया था वो था लक्ष्मी वसीन वर्क्स, और ये टेक्सटाइल में काम करती है और टेक्सटाइल बिजनेस पे स्पिनिंग में स्पिनिंग टेक्सटाइल मशीनरी प्रोवाइड करती है, जैसा कि आप पिक्चर देख रहे हैं। इसमें कार्ड सिस्टम है, कॉम्बिंग है, रिंग स्पिनिंग है, कॉम्पैक्ट स्पिनिंग है, मिल मॉनिटरिंग है, ब्लेंडिंग सॉल्यूशन है। और जैसा पिक्चर में भी देख रहे हैं, ये लक्ष्मी मशीन वर्क्स लिमिटेड इज इंडियाज लार्जेस्ट टेक्सटाइल मशीन एंड सीएनसी मशीन टूल्स मैन्युफैक्चर बेस्ड इन कोयम्बटूर, फाउंडेड बाय केवलर जी के जो भी है। 1962 में इनका फाउंडेड हुआ था। 2500 करोड़ की टर्नओवर है यूएस डॉलर, और ये मिलियन 2017 में 5000 की एम्प्लॉई है। तो इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें कहीं ये अभी जो प्राइस चल रहा है, इसका जो रजिस्टर्ड प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 3731 रुपया। तो इसके लिए नहीं लाया था मैं, ये इसके लिए बताया था कि इसमें कहीं ना कहीं एक डबल टॉप डबल बॉटम जो होता है, डबल टॉप ऊपर की ओर जब चल रहा है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है। और अगर ये क्रॉस करता है, ये अपना हाई कहीं 8100 के आसपास बनाया था, 8000 से गिरते हुए ये जा कर के 2200 के आसपास गया था, और अब ये वापस ऊपरी ओर ऊपर की ओर जाने को तैयार है। इसलिए मैं इस स्क्रिप्ट पे एक बार व्यू लेके आया था, ओपिनियन लेके आया था, और कहीं ना कहीं ये इसमें प्रमोटर खुद एफआई तो बाहर जा रहा है, बट प्रमोटर जो है वो खुद इसमें स्टेक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए प्रमोटर इंक्रीजिंग शेयर होल्डिंग परसेंटेज, तो प्रमोटर खुद ही शेयर होल्डिंग परसेंटेज के लिए कंपनी विद जीरो प्रमोटर प्लीज। और अगर हम देखेंगे शेयर होल्डिंग परसेंटेज देखेंगे इसमें, तो ये देखिए प्रमोटर जून 20 में 30 से 31% प्रमोटर खुद होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। हाँ जरूर एफआई वगैरह गिरा रहे हैं, फिर कुछ भी गिरवी रखा हुआ इसमें नहीं है। जहाँ तक रिटर्न की बात करें तो आप देखेंगे ये कंटिन्यू गिरा हुआ था, बहुत अच्छा रिटर्न तो नहीं दिया है, और लास्ट 3 महीने में देखें तो 40% का रिटर्न दे चुका है। हम ये सब बात तो ठीक है, एक बार इसका सिंपल सा फाइनेंशियल को देख लें तो मार्केट कैप अभी 4000 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस इसका जो चल रहा है 3732 रुपये चल रहा है, 3725 रुपये के आसपास चल रहा है, और 52 वीक हाई, अगर इसका हाई देखना है तो आप ये देखिए यहाँ पे ये हाई गया हुआ था कुछ 8000 के आसपास, ये गया हुआ था हाई 8700 के आसपास, कुछ ये गया हुआ है 8700 के आसपास यह बना, और ये देखिए वापस यहाँ पे आपको एक वापस उठने की और कोशिश कर रहा है। तो ये ग्रीन लॉन्ग ट्रेंड में अगर देखेंगे तो ये ग्रीन ट्रेंड वैल्यू दिख रहा है, ये भी एक अच्छा चीज़ है। ये कहाँ हम देखेंगे तो 2100 से एक बार 200, और यहाँ जो ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे हुआ था 4000 के आसपास, और वहाँ से सीधा डबल 8000 हुआ था, ये यहाँ का जो ब्रेकआउट हुआ था। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट हुआ है तो यहीं से उठ के ये ऊपर 8000 की ओर गया है, और वापस उसी यहीं पे इसको रेसिस्टेंस इसको फेस हो रहा है। और अगर मैं वही दिखाने की कोशिश करूं तो आपको देखिए ठीक है 3700 के आसपास यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, और अगर ये इसे क्रॉस करता है जो कि चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे देखें तो RSI भी जो है रिवर्सल है, डाइवर्जन है, RSI में भी डाइवर्जन है प्राइस, और यहाँ पे आप देखेंगे रेसिस्टेंस, दोनों में यहाँ पे भी डाइवर्जन है, एक RSI का डाइवर्जन है जो पॉजिटिव है। अगर आप इसको दूसरी तरफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट से भी देखें तो ये कहीं ना कहीं अपने 23% के आसपास में आकर के जो कि 3915 रुपये के आसपास आता है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस ले रहा है। इसको जैसे करता है क्रॉस तो ये पहला टारगेट आपको होगा 3902, और दूसरा टारगेट होगा 5600। ये कहीं ना कहीं आपको 5000 टारगेट को लेते हुए, और इनफैक्ट इसको भी क्रॉस करेगा, इसको भी क्रॉस करके ये ऊपर की ओर जाते हुए आपको दिखेगा। इनफैक्ट अगर मंथली पैटर्न में भी देखें तो ये देखेंगे इस लेवल को 3295, तो आप 3200 का स्टॉप लॉस जरूर रखें इसमें, 3200 के स्टॉप लॉस से इसमें लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि अभी ये 3200 तोड़ेगा, बट ये एक अच्छे पोजीशन ऊपर की ओर जा सकते हैं। तो 3200 के पोजीशन से अगर आप इसको कैरी करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं पहला 5000 के आसपास 5100, और फिर इस पर यहाँ पर आकर के कुछ एक रेसिस्टेंस ले तो ले,
5400-5500 के आसपास रेसिस्टेंस लेगा। अब देखेंगे इसका जो सेकेंड रेसिस्टेंस जो मिलने वाला है इसको, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आकर के इसको 5400-5500 के 5665 के आसपास यहाँ पे जो रेसिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पे उसको रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है। 5500-5600 के आसपास रेसिस्टेंस आके मिल सकता है। और अगर ये फिर क्रॉस करता है तो 8000 की हो, तो अच्छी बात है। इसमें कहीं ना कहीं लक्ष्मी मशीन वर्क्स, जैसा आपने देखा ये कॉटन स्पिनिंग मिल्स को के सारे आइटम्स को बनाती है, ऑटोमाइजेशन है, कंपोनेंट बनाती है, स्पेयर पार्ट्स बनाती है, इसके सप्लाई भी करती है। और देखिए ये सारे कॉम्बिंग हो, बेल्ट ब्लेंडिंग हो, मिल मॉनिटरिंग सारे काम करती है, तो ये एक अच्छा चीज़ है। और इनके पास अगर देखेंगे तो कार्ड सिस्टम में क्या है, कॉम्बिंग सिस्टम में कौन कौन सी ड्रॉ फ्रेम है, लैप फॉर्मर है, कॉम्बर है, डॉप फॉर्मर है। तो टेक्सटाइल चूंकि अभी ये अब रिसेंटली पिछले ये फॉल हुआ था, यहाँ से फॉल होकर के आया हुआ है हाई, तो इस तरह इसने 9380 का भी बनाया हुआ है, लेकिन मेन जो था 9000 के आसपास से वहाँ से गिरा हुआ था। तो अगर देखेंगे तो यहाँ पे RSI डाइवर्जन है और आपको कहीं ना कहीं यहाँ एक ब्रेकआउट होगा, और चूंकि यहाँ पे वॉल्यूम सपोर्टिव ब्रेकआउट है तो ये लगता है कि ये चांस है टेक्सटाइल मशीनरी में वापस एक बूम आएगा, टेक्सटाइल मशीन को सपोर्ट मिलेगा, जो गिरना था गिर चुका। और मार्च वाला जो ब्रेकआउट था, आप देखेंगे जो मार्च के आसपास जो ये फॉल किया था, और मार्च का जो हाई था उस समय जो मार्च का जो हाई चल रहा था, यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 5000 के हाई को जो ये क्रॉस करके ऑलरेडी खड़ा है, यहीं से फॉल किया था, ये यहाँ पे था और यहाँ से उस समय गिरा हुआ था, तो ऑलरेडी उसको क्रॉस करके खड़ा है। और अगर देखिए यहाँ पे तो आपको डबल टॉप यहाँ पे देखिए दो टॉप की ओर क्रॉस करेगा, अगर ये क्रॉस करता है, करेगा, करना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा व्यू है। 3200 की स्टॉप लॉस से आप इस पर लॉन्ग पोजिशन बना सकते हैं। पहला टारगेट आपको बता ही दिया, पहला टारगेट आपको जो मिलेगा वो 4900 और दूसरा टारगेट 5600, और ये कहीं ना कहीं आराम से 5700-5600 जाते हुए दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसको। 5600-5700 से भी जाकर रेसिस्टेंस थोड़ा देर खड़ा रहेगा वहाँ पे, फिर उसको क्रॉस करता है तो फिर 6500 और 7600 की ओर जाएगा, बट 5600 के आसपास आना इसको ज़रूरी है, वो आएगा भी। और वो अपने ब्रेकआउट को भी दिखा रहा है, हर चीज़ को पॉजिटिव में दिखा रहा है, शेयर होल्डर खुद ही, अगर शेयर होल्डर परसेंटेज बढ़ा रहे हैं, अगर इन्वेस्टर अपनी आप देखिए बढ़ा रहे हैं, कहाँ 30% था इनके पास, फिर उन्होंने 30-83 किया दिसंबर में, फिर 30-83 के बाद सितंबर में 30-91 किया, दिसंबर में 30-95 किया, मार्च में 30-95 रहा, जून में 31-11 रहा, रिसेंटली इन्होंने अपनी पोजीशन को बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक अच्छा चीज़ है। और कहीं ना कहीं इसमें ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है। तो लक्ष्मी मशीन वर्क्स एक अच्छी टेक्सटाइल डिवीजन की, स्पिनिंग टेक्सटाइल डिवीजन की कंपनी है, जिसमें एक ब्रेकआउट देखने को देखा जा सकता है, हो सकता है कि इसमें ब्रेकआउट आपको देखते हुए आते हुए दिखे, ये मेरा ओपिनियन है, व्यू है। लॉन्ग कर सकते हैं 5600 के लिए और स्टॉप लॉस 3200 का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।